भृंद हरे कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त भृंद हरे कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त हरी बोल हरी बोल
आत्मिरामधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छागल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपी सह गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरि हरि। सर्वप्रथम महाराज एटि आस तेमे न रहिले आनंद आसेनि एटि आस। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमाद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोदर सद श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को चरण में मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जब गया में गए और गुरु जी से उन्होंने मिले, गुरु जी से दीक्षा मंत्र ग्रहण किए। अभी महाप्रभु चाह रहे हैं मैं अपना असली स्वरूप को प्रकाश करूं, आत्मा प्रकाश करूं, क्योंकि अभी तक महाप्रभु जो लीला कर रहे थे निमाही पंडित का लीला कर रहे थे। उस समय भक्त लोग सबके सब तो महाप्रभु जब आए, महाप्रभु अकेले नहीं आते हैं, धाम और परिकरों को लेकर के आए, किसी विशेष विशेष भक्तों को उन्होंने अपना आत्मा परिचय दिया है। अभी भक्त लोग को पता नहीं ये निमाई पंडित है कौन। अभी महाप्रभु धीरे धीरे अपने आप को अभिव्यक्ति करना कराना चाहते हैं, इसलिए गतकल्य हम लोगों ने श्रवण किया था महाप्रभु कैसे, हाँ कृष्ण कहाँ जाऊँ कहाँ पाऊँ, ब्रजेंद्र नंदन बिना फाटे मोर भूख, कहा रे कहिब कथा के मर जाने दुख। महाप्रभु दिन रात हे कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण बोल करके कहा जाने पर हमें वो श्याम सुंदर मिलेंगे, बगैर श्याम सुंदर के मेरे हृदय फट रहा है। इसलिए दिन रात महाप्रभु विकल हो रहे हैं, इसलिए गतकल्य हम लोग ने श्रवण किया था। कहते हैं जो जो रस है दो तरह का, एक विप्रलंब और एक संभव, मतलब एक मिलन है और एक विरह है। इसलिए महाप्रभु जो शिक्षा दिया है विप्रलंब रस को द्वारा ही हमें भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि जो संभोग है कहते न तथा विप्रलंबे न संभोग पुष्टि मस्नुते, जब तक विरह नहीं हो तब तक ये जो मिलन रह मिलन में वो आनंद नहीं आता है। इसलिए विरह को बाद में जब मिलन होता है तभी वो मिलन संपूर्ण रूप में होता है, वो मिलन में विशेष आनंद की उसमें प्राप्ति होती है। इसलिए
महाप्रभु विप्रलंब रस को द्वारा महाप्रभु कैसे दिन रात हा कृष्ण बोल कर कैसे रो रहे हैं। गतकल्य हम लोग ने श्रवण किया था कैसे ब्रज गोपी कृष्ण का हृदय स्वरूप होने पर भी कृष्ण कैसे उनको छोड़ करके मथुरा चले गए हैं, और जब रासलीला कर रहे थे उसी समय में जब श्री श्याम सुंदर अंतर ध्यान हो गए कैसे ब्रज गोपियां हा कृष्ण करते करते कैसे कृष्ण चिंता में कैसे डूब गए, फिर कैसे गोपी गीत को गाए, और गोपी गीत में कृष्ण कैसे गोपी गीत में प्रकट होते हैं। इसलिए जितने भागवत में जुगल गीत, भ्रमर गीत, जितने और कौन सा गीत है, वेणु गीत और प्रणय गीत, और कहते जितना गीत है, कहते ये सबके सब विरह अवस्था में ही ये सब के सब ये गीत प्रकट हुआ है। इसलिए जब तक विरह नहीं हो तब तक मिलन में वो आनंद नहीं आते हैं। इसलिए गुरु जी बड़े सुंदर सुंदर कथा सुनाया करते थे, यद्यपि राधा कृष्ण गोलोक वृंदावन में नित्य प्रिया प्रियतम है, लेकिन होने पर भी इसी जगत में जब श्री राधा कृष्ण इस जगत में आए, अभी नंद बाबा और श्री वृषभानंद महाराज को अंदर में बात चल रहा है, कहते आपका बेटी और मेरे बेटे को साथ में शादी होगा, राधा कृष्ण को साथ में शादी हुई। जब बात चल रही थी इतने में जोग माया पौर्णवास ने देखा अगर ये राधा कृष्ण का शादी हो गई फिर तो ये सखिया हो जाएगा, फिर क्या रहेगा, ये तो फिर द्वारका की लीला हो जाएगा, मथुरा की लीला, ये तो ये जो ब्रज लीला जय जय जोड़ रस सर्वरस सार पर किया भावे यहा ब्रजेत प्रचार, फिर तो रसी खत्म हो जाए हैं। इसलिए इतने में लेकिन ब्रज में जो कुछ काम होता है जब तक श्री पौर्णिमा से जोग माया को पूछा नहीं जाता तब तक कोई काम नहीं होता है। इतने में जोग माया ने बोला देखो खबरदार राधा रानी को साथ में कृष्ण को शादी मत कराओ, क्योंकि जो लड़की है ना मांगल्य, अगर शादी होगी ये जीवन में सुखी नहीं रहेगी, जीवन में लड़ाई झगड़ा करेंगे, बीच में शादी टूट सकती है, ये सुखमय जीवन नहीं होगा। फिर श्री वृषभानंद महाराज पूछे बताओ फिर राधा रानी को हम कहाँ शादी कराए, बोले कि जावट एक स्थान है वहाँ पर एक आयना घोष है, हैं अभी मनु आयना घोष, कहते उसको साथ में आपका बेटी का शादी कराओ, बड़े समृद्धशाली हैं इसलिए बड़े नामी हैं, उनको साथ में शादी कराओ। अभी राधा रानी को ये जो बात पता चली, क्या पता चला, अभी कृष्ण से मेरी शादी नहीं, शादी तो श्री आयना घोष को साथ में होने जा रही। जब रात को श्याम सुंदर के साथ में राधा रानी मिली, इतने में राधा रानी बोल रही श्याम सुंदर मैं क्या सुन रही हूँ, आपके साथ में मेरी शादी नहीं हुई नहीं। तो कृष्ण बोले हे राधे हम तो दिव्य गोलोक वृंदावन में प्रिया प्रियतम रूप में नित्य विहार करते ही है, लेकिन इसी जगत में हैं अगर यहाँ शादी हमारी हो गई लेकिन तुम्हारी हमारी साथ में जो मिलन का जो उत्कर्षता खत्म हो जाएगी, वो सकिया रह जाएगी हैं, पर मिलन में वो उत्कंठा रहेगी नहीं। इसलिए देखो जब शादी होगी ना ये अभिमन मेरे मामा लगते हैं उनका गोद में मैं बैठ जाऊंगा, जब मंत्र पढ़ेंगे उसी समय में मंत्र बोलते रहूंगा, मतलब मैं तुम्हें ग्रहण कर रहा हूँ, बाढ़ बाढ़ सारे मंत्र को मैं बोलता रहूंगा, और तू जो माला पहनाओगे ना उसको गले में उसी समय में मैं अपना गले को सामने कर दूंगा और तुम मेरे गले में माला पहना देना। सब लोग हंसी दिलक से ये बात को उड़ा देंगे लेकिन तुम्हारी हमारे साथ में शादी हो जाएगी, और जब से वो शादी होगी तब से वो जो अभिमन होगा आयना घोष को हो जाएगा नपुंसक, उसका पुरुषत्व तो नहीं रहेगा, वो दिन रात वो अपना गोष्ट में गैयाओं को लेकर के गौशाला में दिन भर बिताएगा, और हम दोनों का हर समय हमारी दोनों की मिलन होएगी। इसलिए कोई चिंता तो मत किया करो, कृष्ण राधा रानी को समझा दिया। इसलिए ऐसे ही शादी हो गई और उनको जो सांस ननंद, जो भारतीय लोग पता है कितने तेज होते हैं सांस ननंद, इसलिए एक का नाम जटिला और एक का नाम कुटिला, और पति का नाम अभिमन्यु। अभिमन्यु मतलब क्या है,
वृथाभिमान, और राधा रानी को साथ में हमारी शादी हुई, ये वृथाभिमान है। ये जटिला कुटिला मतलब क्या, जटिला मतलब होता जट पकाना, अब कुटिला मतलब होता कुट 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 करना, है देखना जट पकाना, जट में मतलब बिना कारण के, है बिना कारण के, है इसलिए कुटला मतलब कुट 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 हर्ष में करना। क्योंकि ये जान बुझ करके अगर राधा कृष्ण का मिलन अगर ये आसानी से हो जाता है ना, फिर मिलन का महत्व नहीं रहेगा। जैसे घर में है शादी से पहले जब नई नई शादी होती है, पत्नी लगती है क्या, ये चंद्रमुखी, एक आकाश में चंद्रमा और एक मेरे पास में चंद्रमा, और वही चंद्रमा कुछ दिन बाद में फिर हो जाता है सूर्यमुखी, फिर बाद में ज्वालामुखी, फिर तो लड़ाई झगड़ा, एक बोले दो, दो बोले तीन, तीन बोले चार। इसलिए हैं, इसलिए धीरे 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 वो प्रेम धीरे 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 घटने लग जाती है इसलिए। लेकिन अगर दूर देश में पति रहे, साल में 5 साल में आए, देखना उनका मिलन में कितने उत्कंठा है, कितने मिलन में उत्कंठा है। इसलिए कभी मिले कभी ना मिले दैवे घटना, इसलिए कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते हैं। राधा कृष्ण दोनों हैं, ललिता इधर, ललिता को द्वारा राधा रानी, उधर सुबल सखा को द्वारा कृष्ण, दोनों दोनों में मिल करके बोले आज अमुक स्थान पर राधा कृष्ण के मिलन होगी, अमुक स्थान पर अभी करी करी मिलने वाले हैं। बस इतने में पता चला जटिला कुटिला आ रहे सांस ननद, इतने में राधा रानी तो प्राण को लेकर भाग जाती है, कृष्ण जान लेकर चले जाते, अभी अभी मिलने वाले था। इसलिए जो चीज दुर्लभ से प्राप्त होता है वो चीज को हम महत्व देते हैं, जो चीज आसानी से मिल जाते हैं फिर उसका कोई महत्व हम नहीं देते हैं, नहीं महत्व नहीं देते हैं। इसलिए ये जो, इसलिए महाप्रभु जो भजन का जो शिक्षा दिया वो विरह रस में, विप्रलंब रस में है, कहते न तथा विप्रलंब है न संभव पुरुषनिम अश्नुते, जब तक कोई विरह नहीं होगा तब तक मिलन में आनंद नहीं आता है। इसलिए एक स्टोरी सुन लो, एक समय किसी कारण से राधा रानी मान की है, जब मान की, अभी राधा रानी मान की तो अभी तो राधा कृष्ण का मिलन हो ही नहीं रही, क्योंकि मान की राधा रानी आई नहीं रही और श्याम सुंदर भी नहीं मिल पाते हैं। अभी श्याम सुंदर बड़े दुखी और राधा रानी मान करके कहां पर, जावट में अपना घर में। इतने में श्याम सुंदर ने कैसे राधा रानी का मान को हम तोड़े, इतने में श्याम सुंदर बड़ी सुंदर एक ब्राह्मण बट्टू बालक रूप धारण करके, सुंदर छत्री धारण कर लिया और हाथ में कमंडल ले लिए, ब्राह्मण वेश बना करके, बड़े सुंदर ब्राह्मण वेश बना करके आ गए कहां पर, जावट में। जो आए आकर के बोले भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, बोले भिक्षा दो। इतने में जटिला कुटिला राधा रानी के सास ननद आए, जब आए भगवान स्वयं बामन रूप धारण किया है, ब्राह्मण अद्भुत, क्या तेज शरीर से निकल रहा था। और नियम है अगर किसी अच्छे ब्राह्मण को कोई दान दो, अगर उसका आशीर्वाद मिलता है ना, घर में क्या होता है, फलते फूलता है, घर में धन दौलत बढ़ता है ब्राह्मण का आशीर्वाद से। पहले ब्राह्मण ऐसे नहीं थे, कलयुग का ब्राह्मण नहीं, एकदम सदाचारी ब्राह्मण, मुंह से आग निकलती थी, जो बोले सच हो जाता है, हैं? इसलिए कृष्ण बोले भिक्षाम दही, जटिला कुटिला आकर के बोले बा क्या सुंदर ब्राह्मण है, हैं? कितने सुंदर ब्राह्मण है, अगर हम इनकी सेवा करेंगे ना हमारे घर में खूब गोधन बढ़ेगा, है खूब गोधन घर में बढ़ेगा। गैया जिसको घर में पहले जितने गैया, नंद बाबा घर में 9 लाख गैया, वृषभ महाराज में 11 लाख गैया, जिसके घर में जितने गैया होता था उसको उतना ही बड़े व्यक्ति मानी जाती थी, गोधन ही मेन धन होता था। लेकिन अभी गोधन नहीं है, अभी कुत्ते धन है। पहले घर में गैया पालते थे, गैया सेवा करते थे लोग, अभी घर में गैया नहीं पालते हैं, है घर के सामने लिख देते हैं कुत्ते से सावधान, है बोले घर में सब कुत्ते रह रहे। इसलिए जिसके घर में जितने गोधन होता था उसको उतना ही श्रेष्ठ मानी जाती थी, बोले अगर ये ब्राह्मण की अगर सेवा करेंगे संतुष्ट हो जाएंगे फिर तो मेरे घर में खूब गोधन की वृद्धि होगी। इतने में जटिला कुटिला ने अपना थाली में कुछ सीधा सजा करके
दाल चावल सब्जी सजा करके अभी उनको भिक्षा देने के लिए आए। जब भिक्षा देने के लिए आए, कृष्ण ऊपर में देखे, बोले लगता है तुम दोनों विधवा है, ये दोनों विधवा थे, जटिला कुटिला दोनों विधवा। बोले मैं पक्का ब्राह्मण हूँ, ऐसे साधारण नहीं, मथुरा से आया हूँ, हम किसी विधवा का हाथ से कोई भिक्षा मैं ग्रहण नहीं करता हूँ, केवल सधवा का हाथ से ही भिक्षा लेता हूँ। कृष्ण को पता है घर में सधवा केवल राधा रानी, ये तो दोनों विधवा है। जब ये बात को बोले, बोले अगर भिक्षा नहीं दोगे मैं जा रहा हूँ। शास्त्र ने बताया अगर घर में कोई ब्राह्मण बा साधु सही कोई आए, अगर ये हाथ बिना खाली हाथ से घर से चले जाए, कहते सतत पापम दत्वा पुण्यम आदाय गच्छति, कहते घर में वो सारे पाप को देख करके घर का जितने पुण्य को लेकर चले जाते हैं, घर का अमंगल होता है, हैं? इसीलिए बोले अगर कोई भिक्षा देने वाले नहीं, मैं तो जा रहा हूँ। बोले नहीं 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 बाबा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हमारे घर में है भिक्षा देने वाले। और जटिला कुटिला राधा रानी के ऊपर दोष देते थे, बोले तू बहाना बना करके नंदगांव जाती हो रसोई बनाने के लिए, और तुम्हारे नाम पर बड़े बदनामी आती है, क्या तुम छुप छुप कर कृष्ण के साथ में मिलती रहती हो? बैठे ये सब कान में आता है जटिला कुटिला। इसलिए जटिला कुटिला क्या बोलते, बोले देखो घर से यहाँ से निकल नहीं सकती हो, तुम घर में रहो, जरूरत नहीं, तुम मेरे घर की बहू, तुम घर में रहा करो, तुम्हें बाहर जाने का कोई जरूरत नहीं, घर में रहो, हैं, नंदगांव जाने का कोई जरूरत नहीं। इतने में राधा रानी बोलती, मैं तो घर से कहीं एक कदम भी मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। इतने में कृष्ण घर में जा रहा हूँ, अभी जटिला कुटिला तो बड़े चिंता में पड़ गए, क्योंकि अभी राधा रानी इनको पर क्रोध की हुई, मैं घर से कहीं बाहर नहीं जाऊंगी, कहाँ बोलने पर भी मैं नहीं जाऊंगी। इतने में जटिला कुटिला सोच रहे हैं अभी राधा रानी को बोले कैसे, तुम जाकर भिक्षा दो, क्योंकि हम तो राधा रानी को बोल दिए खर, कोई जरूरत नहीं जाने का, अभी कैसे बोले। लेकिन अगर नहीं बोलेंगे तो भिक्षारी चले जाएगा, चलेगा तो घर का अमंगल होगा। इतने में जटिला कुटिला बोले, बहू जी राधे, एक बहुत बड़े दिव्य संत आया है, ब्राह्मण आया है, इतने तेजस्वी ब्राह्मण कभी जिंदगी में हमने ऐसे ब्राह्मण नहीं देखा, और वो कहता है मैं किसी विधवा को हाथ में नहीं लेता हूँ, केवल मैं सधवा को हाथ से ही मैं भिक्षा लेता हूँ। घर में तो तू ही सधवा, अगर भिक्षा नहीं दोगे, अगर चुप चले जाए तो फिर घर का अमंगल होगा, इसलिए तुम जाकर भिक्षा दो। राधा रानी बोले मैं एक कदम भी घर से बाहर नहीं निकलूं, क्योंकि तुम लोग मेरे नाम पर बदनामी लगाते रहती हो, उल्टा पुल्टा रहती हो। बोले देख तेरे पाप पड़ता हूँ, अभी कभी जिंदगी में कभी तुम्हें नहीं बोलेंगे, तो बाहर मत जाओ, तुम जहाँ जाना वहीं जाओ, हैं, जहाँ जाना वहीं जाओ, लेकिन जाओ वो ब्राह्मणों को भिक्षा दे कर जाओ। बहुत बोलने पर तब राधा रानी समझ गए, भैया ये कौन होगा, ये और कोई नहीं, वही काला है, हैं, नहीं तो इसे बात कभी बोल नहीं सकता। इतने में बड़े कष्ट से श्रीमती राधा रानी हाथों में सीधा की थाली लेकर के आई, जब लेकर के आई इतने बड़े घूंघट उठा कर, और कृष्ण है, इतने में जब घूंघट निकाल करके आई, बोले अभी अभी दो विधवा आई थी, हमने किसी विधवा का हाथ से नहीं लेते हैं, केवल सधवा को हाथ से भी क्या लेते हैं, लेकिन तुम भी इतने बड़े घूंघट उतार करके लाई हो, आई हो, हम पता कैसे चलेगा तू सधवा ना विधवा, हाँ पता कैसे चलेगा, इसलिए कपड़े को उतारो, हम देखना चाहते तू सधवा ना विधवा, क्योंकि सिंदूर जो सधवा सिंदूर मांग भरती है, नाक में बेसर है, मंगल सूत्र उनका कुछ चिन्ह है, हैं? इसलिए वो तो राधा रानी समझ गए, हैं? ये तो मैंने मान किया बाहर नहीं जाऊंगे, इसलिए मेरे जब राधा रानी जब उन्होंने अपना घूंघट को निकाली ना, कृष्ण बोले हे राधे, मैं आपको पास से ये भिक्षा लेने के लिए नहीं आया, सीधा की भिक्षा नहीं, आपको मान रूपी भिक्षा लेने के लिए आया हूँ, मेरे झोली में तुम अपना मान रूपी भिक्षा भर दो। इतने में राधा रानी जितना थाला में सीधा था ना, कृष्ण का सर पर डाल दिए, और डाल करके और कृष्ण के तरफ में देख करके थोड़ी मीठी मीठी हंस लिए, बस हंसना मतलब कि आई फंसना है, इसलिए हंस दिया जाओ राधा रानी, मतलब राधा रानी अपना मान को छोड़ दी, और श्याम सुंदर प्रसन्न होकर वहां से चले जाते हैं। देखो यही चीज यहाँ पर बता रहे हैं, इसलिए यद्यपि वो प्रिया प्रियतम नित्य गोलोक वृंदावन में है, वृंदावन में है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने वो विप्रलंब रस का आस्वादन करते हैं, क्योंकि जब तक विरह नहीं हो तब तक ये मिलन, जो मिलन वो पुष्टि नहीं होता है,
है, लेकिन विरह को बाद में जब फिर मिलन होता है, वो मिलन में दिख दिव्य आनंद है, वो आनंद है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु दिन रात कृष्ण विरह में आर्तनाद करते हुए उच्च स्वर में कहते, आर्तनाद करी प्रभु ठाके उच्च स्वरे, कोथा गेला बाप कृष्ण छाड़िया मोहरे। इसलिए आर्तनाद करके जैसे श्रीमती राधा रानी कृष्ण विरह में हैं, कृष्ण जैसे रास से चले जाने पर राधा रानी जैसे हैं गोपी गीत को गा गा करके जैसे रो रही थी, और उसी तरह जैसे राधा रानी कृष्ण विरह में उन्मादिनी है, उसी तरह यहाँ पर श्री महाप्रभु उसी भाव से दिन रात उसमें डूबे हुए, कहाँ कृष्ण कहाँ कृष्ण चले गए हैं। इसलिए महाप्रभु कहते जब रोते थे महाप्रभु उस समय आसपास में जितने लोग भी महाप्रभु को दर्शन करते हुए, वो भी कृष्ण प्रेम उनको अंदर में भी तदात्म प्रेम की तदात्म हो जाता था उनको शरीर में। इसलिए अभी जो जितने महाप्रभु का शिष्य लोग थे पास में, किसी तरह से महाप्रभु शांत करते हैं। इतने में महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, बोले मथुरा देखिते मोई चली मु सर्वथा, प्राणनाथ मोर कृष्ण पाओ जथा तथा। इसलिए मैं तो अपना घर में वापस नहीं कहा जाऊंगा, मैं मथुरा चला जाऊंगा, मथुरा में मेरे श्याम सुंदर प्राणनाथ कृष्ण से मैं मिलना चाहता हूँ। इतने में जब रात को सबके सब लोग सो गए ना, महाप्रभु को तो दीप उन्माद में महाप्रभु सोए नहीं, हाँ कृष्ण के लिए रो रहे थे। महाप्रभु रात को उठे और चल पड़े मथुरा, वृंदावन गया से महाप्रभु वृंदावन चल पड़े। जब वृंदावन चल पड़े, जब उन्हें थोड़ी दूर गए ना, इतने में आकाशवाणी हुई है, आकाशवाणी, बोले आकाशवाणी क्या क्या हुई, बोले हे प्रभु आप तो स्वतंत्र सर्वतंत्र आप स्वतंत्र हो हैं, लेकिन अभी आपको मथुरा जाने का समय नहीं, अभी अपना नवद्वीप में चले जाओ, क्योंकि वहां पर सारे आपका भक्त लोग वहीं इंतजार कर रहे हैं। और जगत में आप किस लिए आए, जगत में कहते ब्रह्मा विरीन चिर वांछित जय प्रेम, जगत फैली ल ढाली कांगा ले पाया खाई ल नाचिया बाजा या कर। अब जो काम करने के लिए आए जाओ, वो काम को पहले करो। आप भक्तों को ब्रह्मा शंकर नारद जो प्रेम के लिए तरसते हैं, वो प्रेम भक्त लोगों को देना अभी है, अभी वो प्रेम बाकी है। अभी नवद्वीप में जाकर के भक्त लोगों को लेकर कीर्तन करना है, शिवास अंगन में आपको संकीर्तन रास करना, अभी अभी भक्त लोगों से मिलना है आपको, अभी बहुत काम नवद्वीप में है। इसलिए आप अभी नवद्वीप में मत जाओ, अभी आप चलिता अभी आप वृंदावन मत जाओ, अभी आप श्री नवद्वीप में वापस जाओ। जब इतना आकाशवाणी हुआ, इतने में महाप्रभु ने भक्तों को लेकर के महाप्रभु श्री नवद्वीप में महाप्रभु आते हैं। यहाँ पर श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, बोले जे वासुणे ईश्वरेर गयार विजय, गौर चंद्र प्रभु तार मिली वे हृदय। अगर ये कथा का महाप्रभु जो गया गए, गया जा करके कैसे अपना गुरु जी को साथ में मिले, कैसे दीक्षा मंत्र को उन्होंने प्राप्ति की, कैसे महाप्रभु धीरे धीरे अपना प्रेम को प्रकाश करना चाहते हैं, कहते अगर ये कथा कोई सुनेगा ना, जरूर उसको महाप्रभु उसका हृदय में जरूर महाप्रभु प्रकट हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर कह रहे महाप्रभु का कथा कैसे है, बोले पखीजन आकाशेर अंत नहीं पाए, जत दूर शक्ति तत दूर उड़ जाए। कहते जो भक्ति भक्ति है क्या है, भक्ति रसामृत सिंधु है, भक्ति एक रस है, रस नहीं, कहते भक्ति रस अमृत, कहते सिंधु, सिंधु मतलब समुद्र है, ये भक्ति की कोई आर पार नहीं। एक उदाहरण देकर समझाते हैं, जब पक्षी जन आकाश र अंत नहीं पाए, जैसे एक चिड़िया, जैसे आकाश का थोड़ी कोई अंत है, उसका पंख में जितने ताकत है उतना दूर उड़ते रहो है, खुला आकाश में उतना दूर उड़ते रहो। कहते जो भक्ति रस है, इसलिए कहते प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम, कहते भक्ति में कोई समाप्ति नहीं, जितना ताकत है
जितना अंदर में ताकत उतना दूर तक तो उड़ते रहो और भक्ति रस को गोता लगाते रहो। भक्ति रस में कोई आर पार है नहीं, असीम भक्ति असीम है, हाँ, जिसका कोई सीमा नहीं। इसलिए यहाँ पर अच्छी बात कहते हैं, आकाश से पक्षी, हाँ, जैसे आकाश में क्या कहते हैं, जब पक्षी उड़ता है, हैं, उड़ करके क्या होता है, फिर वापस आ जाता है, फिर वापस आ जाता है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं, लेकिन भक्ति में जा करके ना, किंतु भक्ति में कोई जा करके फिर कोई वापस नहीं आते हैं। मतलब क्या है, भक्ति ऐसे की चीज है, भक्ति ऐसे जब आकाश में गई उड़ करके फिर अपना कर, लेकिन भक्ति ऐसे की चीज जितने दूर उड़ते रहो उसमें, उसे कोई भक्ति में मतलब नीचे कोई नहीं उतरते हैं, जितना आगे चलो आगे चलते रहो, भक्ति में डूबते रहो, क्योंकि उसका कोई आर पार नहीं। इसलिए कहते हैं, संसारे र पार हैया भक्ति र सागरे, जे डोबी वैसे भजो का नीताई चते रे, आमार प्रभु र प्रभु श्री गौर सुंदर। उसके बाद में ए बड़ा भरसा चीते धारी निरतर, ए तो परिहारे जे पापी निंदा करे, तबला तिमार तार तिर उपर। यहाँ पर श्री वृंदावन दास ठाकुर अंतिम समय कहते हैं, अगर संसार से पार होकर के भक्ति रस समुद्र में कोई गोता लगाना चाहते हैं ना, अगर कोई गोता लगाना चाहता है उसको क्या करनी चाहिए, तब भजन नीताय चाहते हैं। कहते श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही क्या होगा, हम भक्ति रस समुद्र में एक दिन गोता लगा पाएंगे। कहते अमार प्रभु रो प्रभु कौन है, बोले श्री गौर सुंदर। कहते हमारा प्रभु का प्रभु कौन है, श्रीमन महाप्रभु। बोले ए बड़ भरसा चित्त धर निरतर, ये जो कि भरसा है ना, आश्रय है, क्योंकि जो महाप्रभु है, कहते हा प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे, तुमा बिना के दयालो जगत संसारे, पतित पवन है तो तब अवतार, ओ समापति प्रभु ना पाई बेयार। इसमें नरोत्तम दास ठाकुर क्या कहते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे, तुमा बिना के दयालु जगत संसारे, संसार में आप जैसे दयालु जगत में कोई नहीं, अब आए क्यों संसार में। बोले पतित पावन हेतु तब अवतार, अब तो पतितों को पावन करने के लिए आए, और पतित में सबसे बड़ा पतित कौन है, मैं सबसे बड़ा पतित मैं हूँ, इसलिए पूरी सरह कीट है से मुई से लगिष्ट, जगाई माधाई है तो मुई से पापिष्ट, मोर नाम लय जैतार पाप है, मोर नाम सुने जैतार पुण्य खाय है। इसलिए एमन निर्घिन नंबर एक केवा कृपा करे, एक नित्यानंद बिना जगत माझा। इसलिए कहते हमारे हृदय में एक भरसा क्या है, हमारा जो प्रभु का प्रभु श्री हैं कौन, श्री महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभु हमारे हैं, ये कौन है। कहते ये इतने दयालु, कहते जगाई, कहते हम तो जगाई माधाई से भी ज्यादा पापिष्ट है, हैं, इसलिए पिष्टा की जो कीड़े हैं उससे भी हम गया बीते हैं, अगर हमारे नाम कोई सुन लेना कहते उसको पाप होता है, हैं, मेरे नाम जो सुनता है उसका पुण्य नष्ट हो जाता है। लेकिन इतने जो निर्घिन, इतने जो हम नीचे हैं, ऐसे नीचे व्यक्ति को अगर कोई दया करने वाले कौन है, कहते एक नित्यानंद बिना जगत माझारे, एक नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु, इनको छोड़ करके जगत में और हमें कौन कृपा करने वाले। इसलिए कहते इतो परिहार जे पापी निंदा करे, तबे तार लाथी मारो सिरे ऊपर। यहाँ पर कह रहे महाप्रभु का इतना दया, नित्यानंद प्रभु का इतने दया इनकी, हम इतने इनकी दया की बात में बताया, अगर उसके बावजूद भी अगर कोई उनको निंदा करते हैं, कहते हम उसका सर पर लात मारते, उसका सर पर हम लात मारेंगे। तो भैया साधु होकर लात मारने का बात कहते हो, साधु लोग तो दया करते हैं। बोले भैया
संत लोग अगर इसको पर लात मार दिया ना, बस उसका कल्याण हो गया, उसका कल्याण हो गया, उसका मंगल हो जाता है। इसलिए सहज में संत लोग किसको मारते नहीं, बोलते नहीं, वो शासन नहीं करते। और जिसको पर शासन कर दिया मतलब उसका कल्याण हो गया, अभी हाँ उसका बेड़ा पार हो गया। इसलिए यहाँ पर अभी यहीं पर कहते जो प्रथम जो खंड है यहीं पर समाप्त हो जाता है। गया यात्रा के बाद में अभी महाप्रभु गया से अभी लौट करके अभी महाप्रभु नवद्वीप में आए। जब महाप्रभु नवद्वीप में अभी आए यहाँ पर कह रहे हैं बोले मध्य खंड कथा जना अमृतर खंड जे कथा सुनि लघुचे अंतर पाषंड। यहाँ पर कह रहे हैं अगर जो मध्य खंड का कथा की क्या महिमा, श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कहते ये जो मध्य खंड का जो कथा ये अमृत का खान है, अमृत का खंड है, हैं अमृत का ये ठेला है। बोले जे कथा सुन ले घुछ अंतर पाषंड, अगर ये कथा कोई सुनेगा ना हमारे हृदय में जो पाखंड तो बैठा हुआ है, हैं हमारे हृदय में जो पाखंड बैठा हुआ, हमारे हृदय में जो बदमाश धूर्त और तरह तरह का काम क्रोध लोभ उल्टा पुल्टा जितने अनर्थ बैठा हुआ, अगर ये मध्य खंड कथा कोई सुनेगा ना हृदय का सारे पाखंडता पाषंडता सब खत्म हो जाएगा हृदय। इसलिए क्या बोलते हैं इसको हम कल सुनेंगे, ये मध्य खंड कथा में महाप्रभु का क्या महिमा, महाप्रभु कैसे आत्म प्रकाश करते हैं और महाप्रभु कैसे सूत्र वृत्ति टिकाए सकली हरिनाम। महाप्रभु कैसे टीचर थे, लेकिन जब टीचर महाप्रभु पढ़ाते थे बच्चों को, लेकिन वापस आकर के महाप्रभु जब ग्रंथ खोले बस कृष्ण कथा सुनते ही कृष्ण की याद आ गई, हैं क सुनते ही कृष्ण का स्मरण, अ सुनते ही अकार उच्चते कृष्ण हैं। इसलिए हर हैं सूत्र वृत्ति टीका उन्होंने केवल भगवत नाम पर हैं और विद्या का जो सार है भगवान का नाम भक्ति, ये चीज को महाप्रभु कैसे बच्चों को पास में अपना कैसे ये चीज को व्याख्या करते हैं और महाप्रभु चैलेंज देते हैं कहते मैं जो व्याख्या कर रहा हूँ अगर किसका हिम्मत हो आकर किसको खंडन करके दिखाए, महाप्रभु चैलेंज देते हैं। और उन्होंने जो व्याख्या की यही व्याख्या ही कहते श्री सनातन गोस्वामी इसको एक लघु हरिनामृत व्याकरण लिखे, पहले उसी को ही बाद में श्री जीव गोस्वामी कहते श्री हरिनामृत व्याकरण ग्रंथ रूप में प्रकाशित किया। महाप्रभु ने यहाँ पर जो बताए थे फिर वो ग्रंथ में सूत्र वृत्ति टीका में कैसे उन्होंने केवल हरिनाम 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 कैसे उन्होंने व्याख्या किया, अद्भुत ग्रंथ है। इसलिए महाराज आप पढ़े नहीं ना हरिनामृत व्याकरण, नहीं पढ़े, अगर हो तो ये बच्चों को हरिनामृत व्याकरण पढ़ा जिसमें केवल भगवान का नाम ही नाम ही नाम ही नाम ही। ठीक है, बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की, बोले श्री नित्यानंद प्रभु की, पिता गौर ब्रह्मानंद हरि हरि हो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Govinda jay jay Gopal jay jay Govinda jay jay Gopal purna purna sardar dar tak lag ye jo dress hai na aise dress acche acche dress bhi do tarah ka dikha do ye dress na kuch bana kar ke Vrindavan se acche acche kapda kar diye na pehna kabhi sada se Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna
कौन खबर महाराज।